जय हिंद दोस्तों। 28 जुलाई 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। आज भारत ने पहली बार वुमेन्स शूटिंग में पहली बार पदक जीता है ओलंपिक्स में, और ये कारनामा करने वाली भारत की शूटर है मनु भाकर। तो हम सभी की तरफ से वीडियो शुरू करने से पहले मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं अभी भी उनके दो इवेंट्स बाकी हैं, वहाँ पर भी मनु अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो चलिए इस खुशी की खबर के साथ हम लोग शुरू करते हैं यह वीडियो और देखते हैं आज के दिन भारत का कैसा गया पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो सबसे पहले जैसा कि बताया मैंने, मनु भाकर ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में, जहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पहली बार किसी भारतीय वुमेन शूटर ने यहां पर ओलंपिक्स में कोई पदक जीता है। इसके बाद यहां पर आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, दोनों जो 1 और 2 आए हैं, मतलब गोल्ड और सिल्वर जिन्होंने जीता है, वो लोग कोरिया की हैं, और भारत की मनु यहां पर थर्ड, यानी कि उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद अगर पीवी सिंधु की बात करें, उन्होंने वुमेन सिंगल्स के ग्रुप स्टेज का अपना जो मुकाबला था वो 21-9 21-6 से बड़ी ही आसानी से जीत लिया है और यहाँ पर अच्छी शुरुआत की है ओलंपिक्स की। इसके बाद रोइंग में हमको मैन सिंगल्स स्कल्स रेपचेजेस में यहाँ पर दिखे बलराज पनमोर, और बलराज ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और यहाँ पर सेकेंड पोजिशन में फिनिश किया है रेपचेजेस में, और इसी के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स के लिए एडवांस कर लिया है। इसके बाद अगर हम लोग फिर से शूटिंग पर लौटे तो शूटिंग में यहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल्स वुमेन के क्वालिफिकेशन राउंड हुए आज, जहाँ पर भारत की दो शूटर्स भाग ले रही थी, एक थी एलावेनिल वलारिवन और दूसरी थी रमिता जिंदाल। तो एलावेनिल ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन आखिर तक आते आते यहाँ पर वे 10वीं पोजिशन में रही और इसी के साथ वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन रमिता जिंदाल ने पहले तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं की थी, लेकिन आखिर के जो राउंड्स थे वहाँ पर रमिता ने बहुत ही अच्छा शूटिंग किया और वे 5th पोजीशन में रही, और इसी के साथ इन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस इवेंट का फाइनल कल हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद टेबल टेनिस की बात करें तो भारत की श्रीजा अकुला, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है, इन्होंने 4-0 से अपना जो मैच था वो जीत कर राउंड ऑफ 64 का राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई कर लिया है। इसके बाद स्विमिंग में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में हमको दिखे श्रीहरि नटराज, जिन्होंने यहाँ पर अपनी टाइमिंग लगाई 55.01 सेकेंड की। इसके बाद शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस के क्वालिफिकेशन भी आज हुए, जहाँ पर हमको दो शूटर्स नजर आए भारत की तरफ से, एक थे संदीप सिंह और दूसरे थे अर्जुन बबूता। तो अर्जुन बबूता ने यहाँ पर हालांकि फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वह 7th पोजीशन में रहे, लेकिन संदीप सिंह यहाँ पर 12th पोजीशन में रहे और इन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तो इस इवेंट का फाइनल कल हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पर भारत की तरफ से अर्जुन बबूता नजर आएंगे। इसके बाद बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में भारत की स्टार निखत जरीन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, इन्होंने 5-0 से अपने ओपोनेंट को हराकर राउंड ऑफ 16 के लिए यहाँ पर एडवांस कर लिया है। इसके बाद अगर हम लोग नजर डालें टेबल टेनिस पर तो सबसे बड़ा झटका लगा भारत को, जहाँ पर मैन सिंगल्स के राउंड ऑफ 64 में ही बाहर हो चुके हैं अचिंत्य शरत कमल, इनको 4-2 से हार मिली है अपने ओपोनेंट के खिलाफ। इसके बाद अगर हम लोग स्विमिंग पर एक बार फिर से नजर डालें तो वुमेन्स 200 मीटर फ्री स्टाइल में भारत की धिनिधि देशंगू हमको नजर आई, यहाँ पर इन्होंने 23rd पोजीशन में फिनिश किया, और हालांकि इनकी उम्र बहुत कम है, इनको अभी सीखने का बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है, तो इनको ये जो ओलंपिक में अभी एक्सपोजर मिला है इस साल, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले सालों में ये बहुत ही अच्छी स्विमर बनकर निकलेगी। इसके बाद टेबल टेनिस में वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 64 में भारत की मनिका बत्रा हमको नजर आई, जिन्होंने कंफर्टेबली 4-1 से अपना मुकाबला जीतकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके बाद आर्चरी में भारतीय टीम से आज बहुत ही उम्मीदें थी, जहां पर भारतीय टीम यहां पर जो वुमेन्स की है वो क्वार्टर फाइनल खेलने वाली थी, अंकिता फकत, भजन कौर और दीपिका कुमारी, लेकिन इन्होंने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया, वहां पर कुछ समस्याएं भी आ रही थी, हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही थी, तेज थी, तो इसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर 0-6 से अपना मुकाबला गंवा दिया और भारत की आर्चरी में जो वुमेन्स टीम की होप्स थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद टेनिस में मैन सिंगल्स राउंड 1 में हमको नजर आए सुमित नागल, लेकिन इन्होंने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया इस मैच में और इनको 2-6, 6-2 और 5-7 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बैडमिंटन में जो अभी मैच चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर भारत के एचएस प्रणॉय का फाबियन रोथ से, और अभी ये मुकाबला बस शुरू ही हुआ है, इसके रिजल्ट्स जब भी आएंगे आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर एचएस प्रणॉय अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये मुकाबला जीतेंगे। इसके बाद आज के दिन का आखिरी जो मुकाबला रहेगा भारत के दृष्टिकोण से वो रहेगा टेबल टेनिस में मैन सिंगल्स में, भारत के हरमीत देसाई उतरेंगे फेलिक्स लेब्रून के खिलाफ अपना राउंड ऑफ 64 का मुकाबला खेलने, और ये मुकाबला देर रात को होगा करीब 11:30 बजे के बाद। तो इसकी भी जो रिजल्ट है आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगी, आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कल का दिन भारत के लिए और भी अच्छा रहेगा और भारत और भी ज़्यादा पदक जीतेगा कल। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में इतना ही, शुभ रात्रि।